कल्चर अगर प्रोटेक्टेड है देन होल वर्ल्ड विल गवर्न इट. अगर ये दो ट्रबल में है तब एवरीथिंग विल बी चली. नमो ब्राह्मण दो कलम बोल दे गुरु माँ गो ब्राह्मण हिताय भगवान चाहते. और यादव जो है भगवान कृष्ण के भक्त हैं लेकिन ये यादव जो है अपनी ड्यूटी से जब डेविएट हो जाते हैं तो धर्म का पतन हो जाता है. भगवान कृष्ण ने गीता में जो शिक्षाएं दिया है आज भी अमर है. पूरे दुनिया में पूरे भर के लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए सफिशियंट. और ऐसा कहा गया है कि कर्म के बिना ज्ञान व्यर्थ है और ज्ञान के बिना कर्म व्यर्थ है. जैसे बैंक में एक पीएन होता है एक मैनेजर होता है. मैनेजर ज्ञान से युक्त है और पीएन जो है कर्म से युक्त है क्योंकि दोनों की एक्टिविटीज में देखते हैं. दोनों बिना बैंक चल नहीं सकता. दोनों का अपना अपना रोल. जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है आर्म्स होती है बेली होता है लेग्स होता है राइट. समाज में चार प्रकार के लोग होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र. तो यह कोई जाति व्यवस्था का सिस्टम नहीं है बल्कि यह एक साइंटिफिक डिवीजन है. जैसे हमारे शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है ब्रेन. जब भी हम गाड़ी चलाते हैं कुछ एक्सीडेंट होता है सबसे पहले हम क्या बचाते हैं ब्रेन. ब्रेन शुड बी सेफ राइट. ब्रेन अगर है पूरा बॉडी को सपोर्ट मिलेगा. अगर पार्ट्स थोड़ा डैमेज भी हो जाएंगे तो दे आर टेकन केयर नाइसली. लेकिन एक बार ब्रेन को कुछ हो गया ना ब्राह्मण इज द ब्रेन ऑफ द सोसाइटी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कास्ट ब्राह्मण व्हाट इज गोइंग ऑन टुडे. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. पढ़े लिखे समझदार से लोग गाइडिंग पर्सन. गाइडिंग द सोसाइटी हमारी बॉडी को गाइड कौन करता है ब्रेन. Brain is saying this is sweet. Please pick it and put in your mouth. So we getting all direction from the brain. The brain should be always given the highest priority. इसका मतलब नहीं है कि legs को ignore करना है. That does not mean. That is correct. So brain जो है ब्राह्मण है and arms जो है क्षत्रिय है. क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है? Strength. क्षत्रिय का अर्थ होता है कि वो हर चीज के लिए उनका पेट भरने वाला कमाने वाला. यह तो आपने एक जर्मन मीनिंग बताया वो कुछ हद तक ठीक है. जो संस्कृत में शब्द है क्षत्रिय छत त्रायते इति क्षत्रिय. छत मतलब होता है क्षति बोलते हैं क्षति हो गई नुकसान या डैमेज. बिल्कुल जो नुकसान होने से बचाए. त्राय मतलब त्राण मतलब बचाना प्रोटेक्शन देना. जो समाज को हार्म होने से बचाए डैमेज होने से बचाए वो कौन है? क्षत्रिय. हमारे हाथ हमारे पूरे बॉडी में सबसे पहला प्रोटेक्शन के लिए कौन सा अंग उठता है? तो हाथ जो है वो जो है क्षत्रिय. बिल्कुल राइट. ये शास्त्र की डेफिनेशन. चाहे वो शूद्र के शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो ब्राह्मण के शरीर में के लिए शरीर में सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए क्या उठता है? हाथ उठता है. तो आर्म्स आर लाइक क्षत्रिय एंड ब्रेन लाइक ब्राह्मण राइट. अब ब्रेन को और आर्म्स को फूड कहाँ से मिलता है? बेली से. अगर पेट ठीक नहीं रहेगा हाथ में नरिशमेंट नहीं आएगी एनर्जी नहीं आएगी ब्रेन में टॉनिक नहीं जाएगी. तो बेली जो है वो कौन है? वैश्य. जो पूरे शरीर को पूरे बॉडी को पूरे सोशल बॉडी को पूरे सामाजिक शरीर को फूड प्रोवाइड करता है यानी धन का जो संचालन रखते हैं वैश्य. वैश्य कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव. जब भगवत गीता के 18th चैप्टर में 43 श्लोक है 43rd वर्ष में भगवान कह रहे हैं कि क्षत्रियों का 7 ब्राह्मणों का 9 और क्षत्रियों का 3 और शूद्र का 1 ऐसा क्वालिटी बताया. तो वैश्यों का जो बताया है कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव एग्रीकल्चर काउ प्रोटेक्शन एंड ट्रेडिंग इज द नेचुरल ऑक्यूपेशन ऑफ द वैश्य. शूद्र का क्या बताया? शूद्र का जो शूद्र परिचर्यात्मकम परिचर्यात्मक मतलब असिस्टिंग टू अदर्स. जैसे हमारी बॉडी में अगर लेग असिस्ट न करे वी कैन नॉट मूव. तो लेग इज कम्पेयर टू द शूद्रज डिवीजन ऑफ द सोसाइटी. इसका मतलब नहीं है कि दे आर लेस इम्पॉर्टेंट और दे आर इग्नोर्ड. यह मतलब नहीं है जी. उसका अपनी जगह है. जैसे जूता होता है ना उसको हम पैर में ही पहन सकते हैं सर पर रख के नहीं चल सकते भले कितना ही महंगा जूता हो. बिल्कुल राइट राइट. अब इसका मतलब जूते को यार दुख नहीं होना चाहिए कि मुझे पैर में क्यों रखा है मेरी कीमत 1 करोड़ रुपये है मुझे तो पॉकेट में डाल के घूमना चाहिए. If he is thinking like that, it means he is wrong understanding. Yeah. Right? Now, हाथ जो है protection देता है पूरे body को पूरे social body को
एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव, एज ए आर्मी, एज ए पुलिस, एज ए क्षत्रिय। लेकिन हाथ अगर कहे मैं तो प्रोटेक्शन देता हूँ, ब्रेन कहे मैं डायरेक्शन देता हूँ, तो बेली जो है वो कहे भाई फूट तो मुझसे ही आता है ना सबको। तो वी नीड ए प्रॉपर कोऑपरेशन एमंग ईच अदर, एवरी पार्टी इज नाउ हमारी बॉडी में एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, राइट। आपके अंदर आत्मा, इनके अंदर आत्मा, इनके अंदर आत्मा, बट वी हैव डिफरेंट बॉडीज, राइट। अगर आत्मा नर है शरीर से, माइनस आत्मा बॉडी, व्हाट इज द यूज, नथिंग, राइट। जब आत्मा शरीर छोड़ देता है तो हम क्या बोलते हैं, डेड, इस शुड बी अंतिम संस्कार, राइट। तो सोल इज द प्राइमरी थिंग एंड बॉडी इज द सेकेंडरी थिंग। तो लॉजिक क्या कहता है कि प्राइमरी थिंग को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए और सेकेंडरी थिंग को सेकेंडरी प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटी दोनों को देना है, लेकिन प्राइमरी को प्राइमरी प्रायोरिटी देना है, सेकेंडरी को सेकेंडरी प्रायोरिटी देना है। मतलब जगत उल्टा हो गया, हम सेकेंडरी को पहले दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। उदाहरण बताते हैं, एक एग्जांपल द्वारा समझो आप इसे। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को प्यास लगी, प्यासे व्यक्ति को क्या चाहिए, पानी, पानी, सिंपल सी बात है। अब पानी के यहाँ दो चीजें हैं, एक ग्लास है, दूसरा पानी। पानी किस में आएगा, ग्लास में ही आएगा। अब इसमें आप बताओ ग्लास प्राइमरी है कि पानी प्राइमरी है, ग्लास क्या है, सेकेंडरी है। अब प्राइमरी को सेकेंडरी से रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंडरी को प्राइमरी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों का अपनी जगह क्या है, वैल्यू है। ग्लास जो है पानी को होल्ड करता है, पीने में सहायता करता है। अब एक स्थिति पर कल्पना करो आप, जब ग्लास नहीं हो, अब खूब तेज की प्यास लगी है, गर्मी में कहीं बाहर से आए हैं, घर में कहीं भी पानी है, टोटी है या कहीं टंकी में है, कुछ भी है, बहुत तेज से प्यास लगी है, प्यास से व्याकुल है, और पानी मिल जाए तो प्यास बुझ सकती है, राइट। लेकिन दूसरी स्थिति में कल्पना करो, घर में आए, बाहर गए, कहीं रास्ते में फंस गए, कहीं ट्रैवलिंग फंस गए, कहीं ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर पानी बिल्कुल नहीं है, एक ड्रॉप भी नहीं है, और ग्लास जो है सोने के भी है, चांदी के भी है, डायमंड के है, प्लैटिनम की ग्लास है, घर पूरा भरा है ग्लास से, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है। आज यही हो रहा है, आज पूरी दुनिया में लोगों ने ग्लास खूब इकट्ठा किया, पानी का था पता नहीं। लोग दुखी हैं। वही तो कहते हैं ना महाराज की वो हमारी इंटेंशन देखता है, ये प्रेजेंटेशन देखती है, तो सब है ना प्रेजेंटेशन करने में लगे हुए हैं। What is the more important in life? How to be or how to present? How to be. That is more. How to present is not important. क्योंकि दुनिया क्या है, प्रेजेंटेशन के पीछे पड़े। हम एक थर्ड क्लास के आदमी हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन हमारा फर्स्ट क्लास जैसा है, पीपल विल केयर, राइट। लेकिन एक बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं, लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छा आदमी है, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, एक प्रोस्टिट्यूट अपने आप को बहुत अच्छा से प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन उसका करेक्टर प्रोस्टिट्यूट का ही नहीं, राइट। तो वी शुड बी फोकस्ड ऑन हाउ टू बी, नॉट हाउ टू प्रेजेंट। हमें भगवान के प्रति ईमानदार रहना है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ ईमानदारी का, ऑनेस्टी किसको कहते हैं। कई बार आप लोग बोलते हैं मैं ईमानदार रहूँ, अपने डीलिंग में हम बी ऑनेस्ट। ईमानदारी का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप हम दोनों घर के पास में रहते हैं, और हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, और आपको हमने कुछ ऐसी चीज़ दे दिया कि सर इसको संभाल के रखना, हम जब यात्रा से आएंगे तो आप मुझे वापस दे देना, और जब मैं वापस आया तो आपने वो चीज़ मुझे वापस कर दिया, हमने आपको थैंक्स बोला, और आपने एक ईमानदारी का परिचय दिया कि आपने जो चीज़ हमको हैंड ओवर किया था हमने आपको एज इट इज़ रिटर्न कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है, भगवान के प्रति हमारी ईमानदारी कैसी पता चलेगी, कौन देगा सर्टिफिकेट, हमारी आत्मा ही देगी। पहले प्रश्न ये उठता है, भगवान हमको दिया क्या, 9 महीने माँ के गर्भ में हमको जिंदा रखा, ऑक्सीजन सप्लाई किया, ब्लड में ऑक्सीजन दिया, बाहर गया तब भी ऑक्सीजन दिया, माँ कुछ खाती थी उसका कुछ हिस्सा हमको मिलता था, राइट। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर भगवान ने हमको जीवन ही दे दिया है, कोई छोटा मोटा गिफ्ट नहीं दिया, पूरा लाइफ दिया है, आप इनको कभी थैंक्स बोलते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ आपको फेवर किया होगा, आप इनको कुछ थैंक्स बोलते हैं क्योंकि इन्होंने आपको फेवर किया होगा। अपन कई बार रास्ता भूल जाते हैं, गूगल काम नहीं करता, बोलते भैया हमको थोड़ा कठवाड़ा जाना है, बता दो, बता देता है, इधर हमको थैंक्स बोलते नहीं बोलते। कई बार एयरपोर्ट पे या कहीं जगह कुछ थोड़ा सा कोई फेवर करता है, थैंक्स बोलते हैं, कोई पानी पिला देता है, कोई रास्ता बता देता है, कुछ भी हेल्प कर देता है, उसको थैंक्स बोलते हैं, राइट। अब अगर इस पॉइंट पर विचार करो कि हमारे जीवन में जब से हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है आज तक, सबसे ज़्यादा फेवर किस व्यक्ति का रहा है,
कोई भी ईमानदार व्यक्ति इस एक्सेप्ट को डिनाई नहीं कर सकता इस फैक्ट्स राइट। आज अगर हम आप यहाँ बैठ कर बातें कर रहे हैं, सांसें चल रही हैं, आंखें देख रहे हैं, हार्ट बीट कर रहा है, कान सुन रहे हैं, या हम जो कुछ रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू कृष्ण दर्शन। गीता भगवान ने बताया, अगर उस हिसाब से देखें हमने आज तक कितना लीटर पानी पिया, कितना मीटर कपड़े पिए, कितना किलो गेहूँ खा गए, कितनी किलो सब्जी खा गए, कितना ऑक्सीजन खा गए, कितना दूध पी गए, कितना चाय कॉफ़ी पी गए, कितना पैसा उड़ा दिया, लेकिन आज तक भगवान ने कभी एक बिल तो नहीं भेजा। अब कोई हिसाब नहीं उसका राइट, कोई हिसाब नहीं उसका। प्रश्न क्या उठता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, ग्रेटफुल, फीलिंग, यू शुड फील ग्रेट, थैंक्स टू। अब हम अब देखते हैं अपने जीवन में तमाम लोग कंप्लेन करते हैं, हमारे जीवन में नहीं है, हमारे जीवन वो नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। जो भी व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है, समझो ईश्वर के प्रति अपराध कर रहा है, इज अफेंडर। दुनिया में कोई भी एक एक्सेप्शन है, हम उनको टारगेट नहीं करते, किसी को नहीं करते, मैं एक जनरल प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। लुक एट योरसेल्फ, कोई बात इंट्रोस्पेक्शन, यस। भगवत गीता अगर आपने जीवन में सीख लिया सर ना, तो आपको मरना आ जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं ना, जीने की कला सीखो, आर्ट ऑफ लिविंग सीखो, राइट। आर्ट ऑफ लिविंग क्या सीखेगा वो, जब उसको मरना ही नहीं आता तो जीने भी नहीं आएगा। जी बताओ, ज्यादा गुस्सा आ जाए तो क्या करना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, क्रोध का शुरुआत कहाँ से होती है पहले सोचना चाहिए, क्रोध है क्या, उम्मीद से होती है, उसको सही तरह से झांको, देखो। क्रोध जो है यह क्षणिक पागलपन है, क्या है, क्षणिक पागल, इसे टेम्पोररी मैडनेस। अब क्रोध जो है फायर, अग्नि है, सबसे पहले आपको ही जलाएगा। क्रोध सबसे पहले हमारे विचारों में आता है, पहले हमारे माइंड में आता है, फिर एक्शन में आता है, फिर हाथ और कान पांव पूरे शरीर में आ जाता है। आंखों में सबसे पहले क्रोध आता है, आप इनको क्रोध से देखिए, आप इनको क्रोध से देखिए तो पता चल जाएगा, राइट, बिल्कुल राइट। उसके बाद जब वाणी पे आ जाए तब तक ठीक है, एक्शन में नहीं आने पाए, विचार में आया वहीं तक उसको रोक देना चाहिए, आंख तक नहीं आना चाहिए, आंखों के बाद हाथ में नहीं आना चाहिए, हाथों के बाद जीवा पर नहीं आना चाहिए। तो कैसे रुकेंगे? तो आप रखो, एक दिन सेशन रखो, भगवत गीता लेकर पूरा बैठ के थोड़ा चार्ट बनाते हैं और बढ़िया से प्रेजेंटेशन करते हैं। आज ही हम सुबह पढ़ रहे थे कि हम साइंस होती है ना, उसको 5 या 10 मिनट नहीं सीख सकते हैं, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है सीखने की। महाराज जैसे आपके हिसाब से परमात्मा कहाँ? परमात्मा हमारे हृदय में है, आपके हृदय में है, वो हमको देख रहा है, लेकिन हम उसको क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी इनएबिलिटी। जिस दिन हम उसको देखना शुरू कर देंगे ना, तब हमें दुनिया में सब जगह परमात्मा ही दिखेंगे। हमें तो आपके अंदर दिख रहा है, इनके अंदर भी दिख रहा है परमात्मा, हमें तो सब जगह कृष्ण ही दिख रहा है जी, संपूर्णता वही है। नहीं नहीं, हम भी तो दिख रहा है, तो हम तो बॉडी नहीं देख रहे, हम तो कृष्ण को देख रहे हैं। मैं भी कण-कण में वही देखता हूँ। तो फीलिंग होनी चाहिए हमको, और वो फीलिंग आएगी कैसे, इनर शार्प कैसे होगा, मेडिटेशन से, ध्यान से, भक्ति से, ये सब जनरल वर्ड्स हैं, नो डाउट, ये सारे आंसर ठीक है। ऑनेस्टी देखो, जब तक हमारे मन में नहीं आएगी ना, तो जो कहते हैं ना कि आंतरिक शांति नहीं आ पाएगी, हमें ईमानदार होना ही होगा। आज तक हमने लोगों को बहुत कुछ दिया है, टाइम दिया है, पैसे दिए हैं, लेकिन मिला क्या, क्या मिला? जैसे एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, बोलो। बात तो सही है, दुनिया भिखारी है ना, तो हम भिखारियों से क्यों उम्मीद करें? बिल्कुल, कुछ है जिसकी वजह से मुझे सुनना पड़ता है कि आपकी गलती है, आपकी गलती है, आपकी गलती है, मैं इनको बोलती हूँ मेरे नसीब में होगा। वह एक बीमारी अवस्था है, जो बार बार दूसरों को अंदर गलतियाँ देखता है, दिखाई देता है, वो एक डिजीज कंडीशन है, वहाँ इलाज की जरूरत है। एक कहावत है अंग्रेजी में कि दुनिया में कोई भी हमारा नुकसान नहीं कर सकता जितना आप स्वयं अपना कर सकते। नोबडी कैन हार्म यू अनलेस यू हार्म योरसेल्फ, राइट। दुनिया क्या बिगाड़ लेगी आपका, आप खुद अपने बिगाड़ने को लेंगे, उससे बड़ा कोई शब्द ही नहीं, वही मैं जान जाता हूँ। हमें भगवान ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है, भारतवर्ष में जन्म दिया है, मनुष्य के रूप में हमको एक शरीर मिला है। अब इस मनुष्य रूपी शरीर का जो उपयोग है, हम चाहे तो आत्म साक्षात्कार करके सुखी हो सकते हैं, और नहीं तो दुनिया तो दुखी है ही, आप देख ही रहे हैं। क्या हाथ पांव मार रहे हैं, क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, डे नाइट वर्किंग हार्ड लाइक गदा एंड एंजॉयिंग लाइक नथिंग, नो, वो फार्मूला ही नहीं। परसों मेरा भगवत का क्लास था, एक लड़का आया, इंजीनियरिंग लड़का था, उसने पूछा मेरा मन कई जगह फंस गया, इसको कैसे निकालें, हम विषयों में, संसार में, कई जगह मेरा मन अटका हुआ। आप कहते हैं कृष्ण में मन लगाओ, ऐसे श्लोक ही था उसमें,
हमने कहा इसको कैसे निकालो, हमने उसे बताया कि जिस ज्ञान से तुम्हारा मन फंसा हुआ है उसी को रिवर्स कर दो निकल जाएगा। नहीं समझे, जैसे दूध से पेट खराब होता है तो दूध का उल्टा क्या होता है, दही, दही खाओ पेट ठीक हो जाएगा। तो जिस ज्ञान के द्वारा आप इस दुख में पड़े हैं उसका एंटी एंटीबॉडी डेवलप करो। जैसे कोरोना होता है ना, क्या करते हैं एंटी कोरोना एक्सरसाइज देते हैं, बात खत्म। सांसारिक ज्ञान से आप इस संसार में फंसे, अब आध्यात्मिक ज्ञान से आप इस संसार से, जैसे महाराज अभी आरती कर रहे थे ना, एक दो मिनट तो ठाकुर जी दिखते ध्यान लगता है जी, फिर वो ध्यान काम काज में तो भाग जाता है, मतलब जैसे बैठे बैठे मतलब कोशिश करते हैं, फिर जैसे नॉर्मली की दूर बैठे ना तो भगवान का ध्यान आ भी गया, जैसे भगवान जी सामने बैठे ना एक दो मिनट तो बहुत मेरे घुस गरमाएंगे कि भाई ऐसे ही ध्यान है, फिर वो ध्यान है ना, समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, फिर वो ध्यान का अर्थ क्या होता है पहले इसको समझ रहा। इस दुनिया में हर वर्ड के पीछे एक मीनिंग है, जैसे आप स्कूल में गए हैं बचपन में, टीचर पढ़ाता है ए डबल ए एल ई एप्पल, राइट, एप्पल के साथ साथ उसका फोटो क्यों दिखाता है, ताकि बच्चा सीख जाए, नॉलेज में क्लियर है, वेरी बिग सी ओ डब्ल्यू से काउ बताता है, तो कल के बच्चा जब क्लासरूम से बाहर जाए तो कहीं काउ गोट को काउ न कर दे, बफेलो को काउ न कर दे, काउ मतलब ऐसे ही दिखती है, मैंगो ऐसा ही दिखता है, ऑरेंज ऐसा ही दिखता है, बनाना ऐसा ही दिखता है, तो वर्ड के साथ साथ उसका क्या दिखाते हैं, पिक्चर। कल को अगर कोई बच्चा बोले ये वुमेन है और ये मैन है तो आप क्या बोलोगे, आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है। अब जब हम अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं जीवन में, आपने एक शब्द बताया ध्यान, राइट, इस ध्यान को हमें समझना पड़ेगा, ध्यान है क्या, एक ही सीढ़िया का नाम है ध्यान, राइट। तो प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होता है कि हम शब्दों का प्रयोग तो करते हैं लेकिन उसका जो रूट मीनिंग है, जो उसका रियल मीनिंग है वो हमको नहीं पता है, इसलिए हम क्या करते हैं रूट मीनिंग की जगह एक साइड वाला मीनिंग लेकर चलते रहते हैं। जैसे बच्चे को पता है कि एप्पल ऐसा दिखता है तो एप्पल को एप्पल ना बोलकर के मैंगो को भी एप्पल बोलेगा, बनाना को भी एप्पल बोलेगा, ऑरेंज को भी एप्पल बोलेगा, एक साइड वाली मीनिंग लेकर चलता रहेगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब हम बोलते हैं ध्यान, तो ध्यान शब्द का अर्थ हमको ठीक से पता होना चाहिए। तो ध्यान का क्या अर्थ है, ध्यान का अर्थ यह है कोई चीज़ थी जो आप भूल गए, यही कई बार बोलते ध्यान करो, घर में कुछ यहाँ वहाँ रखते हैं ना, नहीं मिलते कई बार गाड़ी नहीं मिलती, ध्यान रखते रख, ध्यान रख कहाँ छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, राइट। तो ध्यान से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि आप भूले क्या हैं। बिल्कुल भाई, ध्यान किसी चीज़ का आप कर रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कोई चीज़ भूले हैं, तभी तो ध्यान कर रहे हैं ना, क्या भूले हैं आप, परमात्मा को भूले हुए। हाँ, तो परमात्मा को भूले हुए तो परमात्मा को याद करना ही ध्यान है, राइट। अब परमात्मा को याद करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी अभी आपके ध्यान में है कि नहीं है, है ना, ध्यान का मतलब नहीं 24 आवर सामने ही रहेंगे, ध्यान का मतलब होता है रिकॉग्निशन, पहचानना, आपके सामने जब पिताजी आएंगे तभी आप पहचानेंगे, बाकी टाइम भूल जाएंगे, ये तो कोई बात नहीं है जी। एक बार आपने पिता को पहचान लिया कि मेरा फादर है तो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ गया कि मेरा फादर है, चाहे सामने रहे चाहे दूर रहे। उसी तरह से भगवान चाहे हमारे सामने हो मूर्ति के रूप में, चाहे मंदिर में, चाहे कहीं भी रहे, लेकिन उनका पिक्चर हमारे दिमाग में है, मोर मुकुट बंसी वाला है, वो हमारा फादर है, वो हमारा प्रोटेक्टर है, वो हमारा भगवान है। ऐसा नहीं कि मंदिर में आए दो मिनट ध्यान किया कि प्रभु अब मैं पहचानता हूँ तू मेरा भगवान है, बाकी मंदिर के बाहर गए तो भूल गए, अच्छा भगवान कैसा था, क्या था, कौन है, ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए ना। एक बार जो दिमाग में जो बात बैठ गई तो बैठ गई, ये है तो है, बेसिकली रिलेशन का मामला है। आप दोनों रिलेशन में क्या लगते हैं जी, वो मेरी फियांसे, फियांसे, आप अगर ये नहीं रहते तो क्या इनका पिक्चर आपके दिमाग में नहीं रहता, या सामने रहते तभी याद करते हैं, या कि नहीं रहते तभी याद करते हैं। जी जी, मैं समझ गया, वो तो देख ले तो एक बार याद ही, राइट। जो प्रेम आपको इनसे है क्या वही प्रेम भगवान से नहीं हो सकता, ज़्यादा जी उनसे हो सकता है, या इनके दिमाग में आपकी छवि जो है क्या आप साथ में है तभी इनके दिमाग में है, साथ में नहीं रहेंगे दिमाग में कोई और रहेगा, राइट। इसको कहते हैं रिलेशनल मामला। जो रिलेशन इस संसार में लोगों के बीच में है क्या वह रिलेशन हमारा भगवान के साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। एक बार मैं साबरमती सेंट्रल जेल में गया था प्रवचन देने, 400-500 कैदी बैठे थे, गीता का टाइम था, 14 दिसंबर गीता जयंती थी, हाथ में रख लिया। तो कैदियों से मैंने पूछा, हमने कहा कि सर आप लोग उसमें कुछ गोधरा के भी कैदी थे, तो उनसे पूछा कि एक बात बताओ
परिवार को, पत्नी को, बच्चों को, दोस्तों को, सबको छोड़कर यहाँ आए हो। कोई तो एक होगा जो तुम्हारे साथ अभी है, बता सकते हो कौन है तुम्हारे साथ अभी? सबने हाथ उठा बोले प्रभु जी कृष्ण हमारे साथ है अभी, वो साथ नहीं छोड़ता हमारा। आप समझ रहे? दुनिया हमारा साथ छोड़ देगी, दुनिया हमारे हृदय में आएगा और जाएगा, लेकिन कृष्ण एक बार हृदय में आ गए तो आ गए, फिर कभी निकलने वाले नहीं। इसको कहते हैं प्रेम। कृष्ण के साथ हमारा जो प्रेम है कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल। कृष्ण इज कंप्लीट मैन, कंप्लीट प्रेम का पात्र वही है, बाकी दुनिया प्रेम का पात्र नहीं है। जी बिल्कुल। ये कोई हो जाता तो बुझेगा तो इतना कन्हैया मत बन। यस, हाँ इतना कन्हैया मत। हाँ तो उसने क्या क्या बचपन जी क्या जवानी जी, फिर थोड़ा सा समझदार होता है तो पांच सात आठ इंसानों को महाभारत जितवा दिया। अच्छा, ज्ञान दिया तो मोगल भी छोड़ दो। हाँ, हाँ, ज्ञान दे जी जी। तो कम्प्लीट मैन प्रश्न है सेवा का और बच्चे को परमात्मा का ही चलता है जो खाली बयाल जी से मतलब डाकी अंदर जो सेवा अंडरस्टैंडिंग आप सेवा का कार्य मैं आप से प्रभावित हूं। आप अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गड़बड़ वाली है। नहीं नहीं देखो आप सुनो, जिसको यह पता है कि मैं बीमार हूं और बीमारी व्यक्ति को पता है कि मैं बीमार हूं, राइट, वो बेटर है। और बीमार व्यक्ति बोलता है कि मैं बीमार ही नहीं हूं, वो डेंजरस है। एटलीस्ट आपको पता है कि हमारी कमी क्या है, इसका मतलब क्या मालूम है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप कभी दिल्ली, हरियाणा, मुंबई कभी महाराज जी कभी आप तो सेवा का मौका देंगे। सेवा का मैं वैसे आजकल मुंबई रहते हैं, मैं हरियाणा से। आप कहते हैं कि 0+0=0, 10+10=0, राइट, बिग जीरो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिग बिग जीरो? उस जीरो के पहले एक अगर ऐड कर दो तो जीरो का वैल्यू हो जाता है 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा, 1,00,000। वही एक हमारे जीवन में मिसिंग है। यह जीवन कब सुंदर बनता है? जब हमारे जीवन में कृष्ण होते हैं। बड़े बड़े राजाओं ने इस पृथ्वी पर राज किया है, हजारों साल राज किया है, बहुत भोग उन्होंने सब त्याग किया है। आपको पता है इतिहास में किसका गुणगान किया जाता है? भोगियों का नहीं, त्यागियों का गुणगान किया गया। बिल्कुल। आज 15 अगस्त या 26 जनवरी पर हम क्यों सैल्यूट करते हैं उनको, फ्रीडम फाइटर्स? उन्होंने अपने दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग किया है, अपने आप को सैक्रिफाइस और समर्पण कर दिया। रखो शब्दों पर, दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का बलिदान किया। आज अगर अपने जीवन में आप देश के लिए, चाहे समाज के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे किसी के लिए भी, या भगवान के लिए भी, अगर आप अपना सुख छोड़ सकते हैं तो आप सक्सेस हैं। अपना सुख कोई नहीं छोड़ता। जी महाराज, मुझे की बात को लिव टू गिव। अगर आप जिस दिन देना सीख जाएंगे ना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देना किसको है? से मान लो आपके पास पैसे हैं, वृक्ष हमको देता है, बादल देते हैं, नदियाँ देती हैं, पृथ्वी देती है, सब कुछ देते हैं, केवल हम ह्यूमन बींग्स वाली लेने वाले हैं। लेने से आपकी आत्मा संकुचित हो जाती है, आप नैरो माइंडेड हो जाते हैं, और जब आप देते हैं ना तो आप थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है देने का मतलब क्या है? जिसने आपको दिया है उसी को वापस। आप हरियाणा सरकार नौकरी करते हैं ना, इनकम टैक्स एमपी गवर्नमेंट फाइल नहीं कर सकते। बिल्कुल। मान लीजिए आज एक GST पोर्टल है, राइट, आपका इनकम जो भी है तो आपको एक सिस्टम बताया जाएगा, भाई यहाँ जाके फाइल कर दो। अब इनकम टैक्स अफसर आए और आप फाइल मत करो, और आप बोलो उसको कि सर हमने जितना फाइल करना है उसका 10 गुना मैंने बांट दिया। ओके भैया, ये तो गलत है, देना पड़ेगा। जिसने दिया है उसी को दो। हमने क्या बताया सर, हमने हमारे जीवन में एक फूल है ना, इस फूल के अंदर अगर सुगंध डाली तो भगवान ने डाली। जी राइट। अगर आप अपनी प्रेमिका को इस फूल को देते हैं तो उसको भगवान को पहले चढ़ाकर फिर प्रेमिका को दो, प्रसाद के रूप में दो, डायरेक्ट लाकर के प्रेमिका को मत पकड़ा दो। प्रेमिका कैन नॉट बिकम भगवान, या प्रेमी कैन नॉट बिकम भगवान। बिल्कुल। वे दोनों भगवान के बाद प्रसाद के रूप में हो सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी कृष्ण। मतलब यह फार्मूला है, सिद्धांत है। हमारे जीवन में कुछ अगर क्रेडिट मिलता है, सफलता मिलती है, तो भगवान कृपा से मिलती है। जी बिल्कुल। हमें लास्ट भगवान का श्रेय देना चाहिए। मैं वही कहता हूँ कि हम सब को नहीं करने वाला तो वो है। अगर मान लो कि अगर यह पृथ्वी नहीं होती, या पानी नहीं होता, या अन्न नहीं होता, या शरीर कैसे फिट बनता? आज एक गाय घास खाती है, राइट, अपने घास खिलाया गाय को, गाय घास खाती है, दूध देती है, और दूध से मक्खन बनता है, दही बनती है, घी बनता है, हम खाकर उसको फिट होते हैं, राइट। बिल्कुल। आज तक मुझे बताओ दुनिया में कोई ऐसा साइंटिस्ट है, थोड़ा कोई मशीन बनाए, इधर घास डालो थोड़ा उधर दूध निकाल दे? मुझे कई साइंटिस्ट तो पागल हो गए कि भैया ये इतने पानी खाए, सारा चारा खा के दूध कैसे देती है, तो इसके रिसर्च पे बैठा।
दुनिया के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बड़े बड़े फिलासफर हुए हैं, बड़े बड़े राजा हुए हैं, हम आपको कुछ भी नहीं कहूँ जी, बड़े बड़े राजर से जिन्होंने पूरा पृथ्वी पर उनका राज्य था, पूरा कंट्रोल था, हजारों साल उम्र थी, पूरा ज्ञान था, उन्होंने भगवान को सरेंडर किया। भगवान को जिसने सरेंडर कर दिया, समझो वही ईमानदार है। बाकी सारे चोर अपनी डकली बजा रहे अपना डंका, भगवान उन तो बजा ले, कब तक बजाए, जब तक हाँ तो यही है, जब तक रिमोट में स्विच ऑफ कर लूँगा फिर नीचे तो गिर जाएगा। तो इस्टे कनेक्टेड विद कृष्ण, भगवान से जुड़ के रहे। जिस दिन हमने भगवान को कहते हैं ना कि जैसे ये शरीर है ना, ये अंगुली है राइट, इस अंगुली का महत्व कब तक है, जब तक हाथ है, जब तक इससे जुड़ी हुई है जी, बॉडी से जुड़ी हुई। जिस दिन ये कट कर नीचे गिर जाएगी क्या करेंगे हम, वापस जोड़ेंगे तो जुड़ेगी नहीं, और जुड़ेगी तो फिर प्रॉपर नहीं होगी। जिस दिन ये कट के गई उस दिन इसका महत्व गया। उसी तरह से जिस दिन हम भगवान से कट गए, भगवान को हमारे ऊपर कितनी महिमा है, कितनी कृपा है, ये हमको हर पल महसूस करना चाहिए। पांडवों ने यही तो किया, कृष्ण भगवान को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, और दुर्योधन ने हमेशा माइनस कृष्ण करके पॉलिसी चलाया। भगवान दूत बन के गए हस्तिनापुर में, जब वनवास क्या कहा मालूम, भगवान ने कहा कि काम कर पाँच गाँव दे दे, सिर्फ पाँच गाँव दे दे। दुर्योधन सामने प्रपोज रखा है शांति प्रस्ताव के रूप में, दुर्योधन कहता है नहीं केशव बिना ये नहीं मिले, सुई किलो के वस्तु जागरण मैं दास से बिना ये धन केशव, हे केशव मैं बिना युद्ध के तो सुई किलो के बराबर की जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है तैयारी कर। वही दुर्योधन जो 10 दिन पहले 5 गांव नहीं दे रहा था, 10 दिन बाद पूरी पृथ्वी खाली करके गया, गए कि नहीं गए। तो भगवान हमें जो प्रपोज करते हैं ना वो हमको मान लेना चाहिए। तो ये कैसे पता चले कि ये भगवान ने प्रपोज किया, उसके पीछे कई सारे सिम्टम होते हैं। आपके जीवन में पहली बार, मैं शादी की बात कर रहा हूँ, जिस लड़की के ऊपर आपका मन गया है वो समझो आपकी पत्नी बनने वाली है। बार बार मन को दौड़ाओ मत, उसे भगवान की कृपा समझ कर एक्सेप्ट करो। बैलेंस मत चेकिंग करो, उसके गुण मत चेक करो, ठीक है, क्योंकि तुम इतने बड़े महान नहीं हो कि किसी के भविष्य जान सकते हो। जीवन में पांच चीजें कभी नहीं बदलती, जन्म मृत्यु का कारण वित्त विद्या और विवाह, इसको डेस्टिनी बोलते हैं। डेस्टिनी नहीं बदलती, भाग्य बदलता है, प्रारब्ध नहीं बदलता। आप जीवन में कितना पैसा कमाओगे पहले से लिखा हुआ है, कौन आपकी पत्नी बनेगी लिखा हुआ है। आजकल जो प्रॉब्लम कहाँ है कि लोग पत्नियों को सेलेक्ट कर रहे हैं कपड़े की तरह, चेक कर रहे हैं, और लड़कियाँ भी वैसे कर रही हैं, वो लड़कों को भी टेस्ट कर रही हैं कोई प्रोडक्ट की तरह। अरे नहीं, ये भगवान की बनाई व्यवस्था है, एक्सेप्ट कर लो, विधि विधान से शादी कर लो, और शास्त्र के अनुसार जीवन बिताओ। ये कोई परमानेंट है, ये तुम कोई मार्केट में कोई ब्रांडिंग खरीदने गए हो तो शादी विवाह को हमको मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए जी। एक बार तुम्हारे जीवन में जो आ गया, गुरु से आशीर्वाद ले लो, माता पिता से आशीर्वाद ले लो, भगवान से आशीर्वाद ले लो, पति पति बनकर के आराम से जीवन बिताओ, भगवान की भक्ति करो, सब कुछ कृष्ण को अर्पित करके आराम से गृहस्थ जीवन बिताओ। जो भी हमारे जीवन में होगा सुख दुख नेम फेम सब आएगा, भगवान देख लेंगे सब। लेकिन बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए उसको, लड़के लड़कियों को टेस्टिंग वो नहीं करना चाहिए, नहीं पर टेस्ट करेंगे इसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, कब गुस्सा होता है, दिन भर कितना सिगरेट पीता है, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, हम उसका देखेंगे उसका देखेंगे, ये सब फालतू काम सब दिक्कत होती है। भगवान करे आप दोनों जो है इसी तरह से पति पत्नी बन के लिए जाए, क्योंकि जीवन में पहली बार जो आपके जीवन में आई है ना, कहीं कहीं उसका पूर्व जन्म से कनेक्शन है, कनेक्शन है। और आजकल ये बार बार चेंज जो कर रहे हैं ना, ये तो कोई कोई ये मोबाइल कंपनी थोड़ी है कि बोला को नहीं काम करा था एयरटेल एयरटेल कर, कोई कस्टमर केयर सर्विस नहीं है, ये तो इस तरह की बनाई व्यवस्था है, बी सेटिस्फाइड। पांडव के जीवन में द्रौपदी आई थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया, पांडव के जीवन में एक वो एक अलग टाइम में हुआ है, वो एक अलग कंडीशन में हुआ है, तो उसकी मदर ने बोला और उन्होंने फिर वो भगवान कृष्ण की लीला थी, वो भी उसके पीछे पूरा उसका कुछ वो था। एक रीड करना देखो, तो भगवान कृष्ण ही चाहते थे कि मतलब जब ये कहते हैं जब ये पृथ्वी पे ज़्यादा पाप हो जाता है तो उसे श्रृंगार करना बड़ा जरूरी है, वरना जो मुरली बजाने वाला वो षष्ठी कथन थोड़ी करता। भागवत के प्रथम स्कंध में जैसे पितामह ने पूरा धर्म का वर्णन किया, स्त्री धर्म पति धर्म सब बताया, आप सबको जानना चाहिए। जब भी आप दोनों यंग हैं
और आप दोनों को बहुत कुछ जानना है, आगे जनरेशन को गाइड करना है। बिल्कुल, आप जब सीखेंगे तभी नहीं सिखा पाएंगे। आप भी बदमाशी करेंगे तो आपको सीखा दूसरे लोग बदमाशी करेंगे, बोले आपको एग्जाम्पल करेंगे, कोट करेंगे, देखो उसने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे, आपकी फैमिली में करेंगे। जी जी, तो आपको सही एग्जाम्पल सेट करना है, आपको गलत उदाहरण नहीं लोगों को देना है। गीता भगवान कहते हैं यदि यदि आचरण श्रेष्ठ तत्व देवे तरह जन्म। मान लीजिए आप बहुत फेमस आदमी है, फेमस आदमी गलत काम करता है समाज के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। जी, और उसको देख के और ज़्यादा वो करते हैं, बदनामी होती है। जी, अगर आपका नाम बहुत बड़ा है तो आपको बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। बहुत अगर सौ बहुत लोग आपको जानते हैं तो समाज में आप ऐसा बिहेवियर मत कीजिए कि लोग उस पर कमेंट करें, बल्कि लोग उससे इंस्पायर हैं, अच्छी चीज़ें लेने के लिए। वो चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो, सबके लिए एग्जाम्पल लागू। ऐसा कहा गया है पति जो होता है पत्नी का गुरु होता है, और पहले गुरु माँ होती है, तो माँ का गुरु पति होता है, पति का गुरु उसका गुरु होता है, और सबके गुरु कृष्ण भगवान। तो कनेक्शन, कनेक्शन आज सुंदरता है, आज धन है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और सब बहुत टेम्पररी। जी, बिहाइंड में हमें यह सब याद रखना चाहिए कि यह सब भगवान की कृपा से है, इसमें हमारा रोल बहुत कम है।